Bismillahir Rahmanir Rahim, Inspector Talib Hussain, Law Instructor, Police Training School, Rawat, Rawalpindi. मेरा आज का टॉपिक है मीडिया की अहमियत और मीडिया का पुलिस के हवाले से रोल. वक्त के साथ साथ मीडिया की अहमियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है. मीडिया हमें बुनियादी तौर पे तालीम, इत्तला और तफरी का बायस बनता है. ये हमें दुनिया में और माशरे में होने वाले वाकियात के मुतालिक बताता है और बाज़ औक़ात छुपे हुए वाकियात का खोज लगाकर हमें उनके मुतालिक मालूमात फराहम करता है. मौजूदा दौर में मीडिया की अहमियत और ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये गुनाहगार को बेगुनाह और बेगुनाह को गुनाहगार साबित करने की ताकत रखता है. और उसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह यह है कि मीडिया लोगों के जहनों को काबू करने की सलाहियत रखता है. अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मीडिया पर नशर होने वाली खबरें, ख्वाह वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या मीडिया की कोई भी शक्ल हो, उसके ऑडियंस ज़्यादातर यही समझते हैं कि जो कुछ नशर हो रहा है वो सच और बर मबनी हकायक है. ये वो रीज़न है जिसकी वजह से मीडिया ने लोगों के जहनों को काबू कर लिया है और रिजल्टेंटली मीडिया ज़्यादा ताकतवर हो गया. अब हम मीडिया और पुलिस के हवाले से देखते हैं कि अगर मीडिया पुलिस के इमेज को मुस्बत अंदाज में पेश करता है तो इसका फ़ायदा क्या होता है. इसका फ़ायदा ये होता है कि अवाम और पुलिस के दरमियान जो फासला है और जो एतमाद की कमी है वो ख़त्म हो जाती है और अवाम पुलिस के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मॉडर्न पुलिसिंग का कंसेप्ट है, कम्युनिटी पुलिसिंग जिसको हम कहते हैं, वो फैशन पाती है और उसका रवाज डेवलप होता है, जिसके नतीजे में लोग पुलिस को बरवक्त मुतालका इत्तलाक फ्राहम करते हैं, जिसके नतीजे में पुलिसिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है और जराइम की बेहकुनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है. थैंक यू वेरी मच.